see you all. Welcome again all of you to my channel Spare Lane Tutorials with Priyanka. और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 क्लास 9th. The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. Find the diameter of the base of the cylinder. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है जिसका की हाइट जो है वो है 14 सेंटीमीटर और उसका कर्व सरफेस एरिया हमें दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमें बताना है कि उसका जो बेस है उसका डायमीटर का वैल्यू क्या होगा. क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. गिवन हमें दे रखा है कर्व सरफेस एरिया, इसकी वैल्यू है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट गिवन है हमें 14 सेंटीमीटर. तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया का. लगाते हैं फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. फॉर्मूला हमारे पास है एंड विच इज 2πRh. इट इज 2πRh. वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर. ये गिवन है हमें 88 2πRh. 88 इज 2, पाई इज 22/7. रेडियस हमें नहीं मालूम है एंड h इज 14. r को उधर ले जाते हैं. बेटर है कि हम 2r को उधर ले जाएं क्योंकि हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है डायमीटर और डायमीटर जो है वो रेडियस का ट्वाइस होता है. तो हमने 2r को इस तरफ ले लिया है. 88 मल्टीप्लाइड बाई 7 और आपका डिनोमिनेटर भी ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में मिल जाएगा आपको 22 एंड 14. काटेंगे इसको 7 से 2 टाइम्स, 22 से ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 और आपको मिलेगा 2 और आपकी यूनिट रहेगी सेंटीमीटर. 2R इज नथिंग बट योर डायमीटर, सो डायमीटर कम्स आउट टू बी 2 सेंटीमीटर. सो दिस इज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.